Welcome to the Smart Learning Academy. My name is Viren Singh, and in this video tutorial I am going to discuss about the restriction mapping examples asked in the various papers like CSIR examination, GATE examination and DBT GRF examination. In this video tutorial I am going to discuss about the two numerical problems asked in the CSIR June 2014 paper. So this is the first question asked in the CSIR 2000 paper, question number 142. अगर इस question की बात करें तो जो पहला दिया हुआ है इस question में कि 6.4 kb plasmid given, ठीक है, जो कि जिसपे कि क्या है, टू रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियर साइट एंड किसकी साइट है, हिंद 3 एंड इको R1 की, एंड कंप्लीट डबल डाइजेशन ऑफ द प्लाज्मिड with both enzymes L2 fragment 3.3 and 3.3 kb, ठीक है. अगर हम कंप्लीट डाइजेशन कर रहे हैं, डबल डाइजेशन दोनों एंजाइम से, तो 3.1 और 3.3 kb का फ्रैगमेंट हमें मिल रहा है. क्या पूछा है उसका कि इन ऑर्डर टू स्टडी द DNA रिपेयर प्रोसेस GT mismatch was introduced in the one strand of the HIN3 साइट. मतलब HIN3 साइट जो है उसमें क्या है कि एक मिसमैच इंट्रोड्यूस किया गया है. देन पूछा है कि डैमेज्ड प्लाज्मिड वॉज इंक्यूबेटेड इन रिस्ट्रिक्शन रिपेयर सिस्टम, इन रिस्ट्रिक्शन सिस्टम कंटेनिंग ऑल द फैक्टर्स एंड एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिपेयर, ठीक है. इफिशियंसी दिया है 50%, जो रिपेयर इफिशियंसी है वो 50% है. देन आफ्टर द रनिंग ऑन एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, आपको क्या करना है कि पता करना है कि कितने बैंड्स मिलेंगे और कितने kb के मिलेंगे. सो सॉल्यूशन देखते हैं हम इनका कि क्या सॉल्यूशन होगा. क्वेश्चन क्लियर है कि दो, एक 6.4 kb का प्लाज्मिड DNA है, उस पर दो साइड्स है, उनको कम्प्लीटली डाइजेस्ट करते हैं तो 3.3 kb और 3.1 kb का फ्रैगमेंट मिलता है. लेकिन HIN3 में एक मिसमैच किया हमने, उसको रिपेयर सिस्टम में डाला, रिपेयर सिस्टम 50% इफिशियंट है. उसके बाद हमने क्या किया कि उसको फिर से डाइजेस्ट किया और देखा कि कितना बैंड हमें मिलेगा. सो सॉल्यूशन देखते हैं हम. दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. उसमें क्या पूछा था आपको कि 6.4 kb का DNA है, ठीक है, यह 6.4 kb का DNA है, 6.4 kb सर्कुलर DNA था, उस पर दो साइड्स थी, इको R1 एंड HIN3, ठीक है, इको R1 एंड HIN3. और अगर आप कंप्लीट डाइजेशन करेंगे तो दो रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट मिलेंगे, एक 3.3 kb का और एक 3.1 kb का, ठीक. अब आपने क्या किया, ये आपका सॉल्यूशन है जो उन्होंने पहले स्टेटमेंट में बोला है. उन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक मिसमैच, कहाँ पे, HIN3 के साइड पे, HIN3 के रिस्ट्रिक्शन साइड पे आपने क्या किया कि एक मिसमैच इंट्रोड्यूस किया, GT मिसमैच, ठीक. जो इफिशियंसी है वो कितनी है, 50% है. रिपेयर की इफिशियंसी कितनी है, 50% है. तो 50% इफिशियंसी है मतलब 50% हिन साइड जो होगा वो रिपेयर हो जाएगा, ठीक है. रिपेयर हो जाएगा तो वो क्या होगा, वो क्लीव हो जाएगा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम HIN3 से. बट जो 50% जो साइट इफिशियंट जहाँ पे नहीं है, तो वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे उनकी रिपेयरिंग नहीं हो पाएगी और वहाँ पे एक मिसमैच क्रिएट हो जाएगा जो कि क्या करेगा कि वहाँ पे क्लीवेज को प्रिवेंट कर देगा. क्लियर है. अगर क्लीवेज को प्रिवेंट कर रहा है तो आफ्टर डाइजेशन ऑफ HIN3 एंड इको R1 जब आप डाइजेस्ट करोगे, ठीक है, तो जब यहाँ पे एक मिसमैच 50% में मिसमैच है तो सिर्फ इको R1 कट करेगा, तो इको R1 कट कर रहा है तो आपको सिर्फ एक बैंड मिलेगा 6.4 kb का, ठीक है, क्योंकि 50% केसेस में क्लीव नहीं कर पाएगा क्योंकि वहाँ पे रिपेयरिंग मैकेनिज्म काम नहीं करेगा. बट इन 50% बाकी जो 50% है वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे रिपेयरिंग हो गई है, वहाँ पे HIN3 भी कट कर सकता है और इको R1 भी कट कर सकता है. जब HIN3 और इको R1 कट करेंगे तो सेम वही आपका जो कंप्लीट डाइजेशन के केस में 3.1 kb का एक फ्रैगमेंट मिलेगा और 3.3 kb का एक फ्रैगमेंट मिलेगा. क्लियर है. यहाँ पे तो आपको कितने टोटल फ्रैगमेंट मिलेंगे, तीन टोटल फ्रैगमेंट मिलेंगे. टू मिलेगा जब 50% क्लीव हो जा रहा है और 50% नहीं क्लीव हो रहा है, उसमें एक मिलेगा. सो आपको जो बैंड मिलेगा वो कैसा मिलेगा, तीन बैंड मिलेगा, एक 6.4 kb का, एक 3.3 kb का एंड 3.1 kb का. सो दिस इज द आंसर फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन आस्क्ड इन CSIR 2014 पेपर
इस क्वेश्चन नंबर 138, इसमें इन्होंने क्या बताया कि क्वेश्चन इज द डायग्राम बिलो रिप्रेजेंट्स 2 KB insert, 2 KB insert है राइट, 2 KB insert सक्सेसफुली इंट्रोड्यूस्ड इन बिटवीन बैम एच वन साइट, ठीक है, बैम एच वन साइट के बीच में आपने सक्सेसफुली इंसर्ट किया, जो वेक्टर का साइज़ है वो है 3.8 KB, साइज ऑफ वेक्टर इज 3.8 KB, यहाँ पे 0.9 KB इको आर वन और बैम एच वन के बीच में है, ठीक है यहाँ पे, और 2.9 KB है ये वाला साइज़, ठीक, एंड देन जो ये पार्ट है बेसिकली दिस पार्ट, ठीक है, ये पार्ट जो है वो पार्ट है आपका इंसर्ट का। तो उन्होंने पूछ रहा है कि अगर ये इंसर्ट इस डायरेक्शन में है, हम इस डायरेक्शन को अपोजिट डायरेक्शन में कर दें, जो इंसर्ट का डायरेक्शन है उसको अगर हमने इस डायरेक्शन में इंसर्ट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमने उसको इंसर्ट कर दिया, तो आपको डाइजेशन के बाद कौन सा डाइजेशन आपको करना है, डाइजेशन करना है हिन 3 एंड इको आर 1, ठीक है। तो उसमें पूछ रहा है कि जो स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा। सो लेट्स सी व्हाट इज़ द सॉल्यूशन फॉर दिस केस, दिस इज़ द सॉल्यूशन फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 38। उन्होंने क्या बोला है कि आपके पास एक वेक्टर है, ठीक है, आपके पास एक वेक्टर है जहाँ पे कि 2.9 KB का ये साइज़ है, ठीक, एंड टोटल जो साइज़ वेक्टर का था 3.8 KB, जो इंसर्ट का साइज़ था वो कितना था 2 KB का, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, डायरेक्शन जब ऐसे था, इंसर्ट का डायरेक्शन बैम एच वन और हिन 3 बीच में था, और बैम एच वन फर्स्ट और हिन 3 बीच के जो साइज़ था वो 0.8 KB, और जो सेकेंड साइज़ था वो 1.2 KB का था, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपोजिट ओरिएंटेशन में इंसर्ट किया। अपोजिट ओरिएंटेशन देखिए कि जैसे पहले इस साइज़ में ओरिएंट हुआ था, अब आपका क्या होगा कि ये डायरेक्शन जो होगा चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज होगा तो 1.2 KB आपका यहाँ पे आएगा और 0.8 KB इधर आएगा। पहले केस में क्या था, 0.8 KB इधर था और 1.2 KB इधर था, लेकिन अपोजिट केस में क्या था कि यहाँ पे इंसर्ट आपका चेंज हो जाएगा, 1.2 KB इधर आएगा और 0.8 KB इधर आएगा। अब डाइजेशन के प्रोबेबिलिटीज़ देखें, जो ऑप्शंस में वहाँ पे दिए हैं, उन्होंने पहले केस में पूछा है कि जब इको आर वन से डाइजेस्ट करेंगे, ठीक है, तो क्या फ्रैगमेंट मिलेगा। इको आर वन से सिर्फ आपने डाइजेस्ट किया तो आपको टोटल जो साइज़ है इसका 3.8 + 2 5.8 KB का फ्रैगमेंट मिलेगा लीनियर डीएनए ने, यहाँ से आप देख सकते हो पहला ऑप्शन सही है। सेकेंड ऑप्शन में उन्होंने पूछा है कि बैम एच वन से डाइजेस्ट करेंगे, तो बैम एच वन से जब डाइजेस्ट करेंगे तो 2 बैम एच वन साइट्स हैं, एक का मिलेगा 2 KB एंड दूसरे का 3.8 KB। थर्ड कंडीशन है इको आर वन एंड हिन 3, जब इको आर वन और हिन 3 से डाइजेस्ट करेंगे, ठीक है, तो उस केस में आपको क्या होगा, यहाँ पे हिन 3 है और यहाँ पे इको आर वन है, डाइजेस्ट करेंगे तो 1.9 KB और एक 1.2 KB, इन दोनों के बीच का फ्रैगमेंट मिलेगा, और जो दूसरा फ्रैगमेंट मिलेगा वो 0.8 KB का मिलेगा और 2.9 KB का मिलेगा, ठीक है। तो दो फ्रैगमेंट मिलेंगे टोटल, एक 2.1 KB का और एक कितना मिलेगा 3.7 KB का। तो थर्ड ऑप्शन इज़ करेक्ट और जो फोर्थ ऑप्शन होगा वो इनकरेक्ट होगा, ठीक है। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन फॉर द CSIR जून क्वेश्चन नंबर 138। Thank you for watching this video. If you like my video, please do like and share. Thank you very much.